का मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे देगी क्या? अच्छा पैसे चाहिए तुझे? पैसे तो मैं शाम तक दे दूंगी, पर ये तो बता तुझे कितने पैसे चाहिए? मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए, मैं ना तुझे बहुत ही जल्द लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है दे दूंगी, पर ये बता तेरी एग्जाम की तैयारियाँ कैसी चल रही है? हमारे एग्जाम आने वाले है ना? बस ठीक ठाक ही चल रही है। अच्छा ठीक है, पर अच्छे से करना। ओके एक मदद कर सकता है। अरे चुप करो तुम दोनों। अच्छा बताओ क्या मदद करना होगा तुम्हारी? अरे मैडम जी, हम ना उमरी गांव से आए हैं, क्या आप हमें यह एड्रेस पढ़ के बता देंगी? अरे ये एड्रेस तो मुझे पता है, पर ये बताओ ये तुम्हारे लगते कौन है? अरे उना हमारे चचा जी लगते हैं, हम ना उन्हीं के यहाँ रहने आए हैं। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ रह के करोगी क्या? अरे उना डेजी कॉलेज है ना, हम ना उसी में एडमिशन लेंगे, उसी में भर्ती होकर उसी में पढ़ाई करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा तो तुम्हें इस एड्रेस पे जाना है, मैं भी उधर ही जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक बा। हाँ। अभी तक ऋषि का नहीं आई? अरे रुको मैं उसे अभी फोन लगाती हूँ। ठीक है। हाँ हेलो ऋषि का, कितनी देर लग रही है तुझे आने में? क्लास का टाइम होने वाला है। हाँ आ रही हूँ, बस 5 मिनट। वो क्या है ना, बंदा मेरे साथ है इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तुम थोड़ा वेट करो, बस आ ही रही हूँ मैं। क्या बंदना? क्या हुआ खुशी? बंदना के साथ आ रही है। यार हमका ना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये कैसा कपड़ा पहना दिया तुमने? यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, चलो अब। कुछ नहीं हुआ। अरे संभल के यार। गांव की कमाल बड़ी आई मॉडल बनने, पहले चलना तो सीख ली थी ढंग से। सन्नी अभी तुम दोनों को ही हाँ करती हुए। तूने उस गांव के गवार के लिए मुझ पर हाथ उठाया, ये अच्छा नहीं किया ऋषि का तूने। तूने अपनी दोस्त को मारा। हाँ मारा मैंने तुम्हें चाटा, क्योंकि आजकल ना तुम दोनों बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। ये तो नहीं कि वो हमारे गांव में न्यू आई है तो हम उसकी हेल्प करें, पर नहीं तुमको तो दांत वगैरह है। खैर छोड़ो, मैं भी किन बदतमीजों के मुंह लग रही हूँ। चलो बंदना यार। उस
ऋषिका ने उस गांव की गवार के लिए मुझे चाटा मारा, वो ऋषिका ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सही कहा कुसी तूने, हमें कितना फायदा था ना ऋषिका की दोस्ती से, और कितने सारे पैसे मिलते थे ना, और हम कितनी पार्टियां करते थे। हमें ना इन दोनों की दोस्ती तोड़नी ही होगी। यार आज वंदना कॉलेज नहीं आई, एक काम करती हूँ मैं ना उसके घर जाकर देखती हूँ, शायद उसकी तबीयत खराब हो। यार वंदना क्या हुआ, आज तू कॉलेज क्यों नहीं आई? यार हमका ये सहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हमारा तो अब गांव जाने का मन कर रहा है, अब तो हम गांव जाएंगे। यार हमका अच्छा बोलते नहीं आता है, इस शहर में सभी बच्चों लोग हमारा मजाक उड़ाता है, इसलिए हम अपना गांव वापस जाना चाहता है कल। अच्छा बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें अच्छे से बोलना सिखाऊंगी। क्या सच में? हाँ सच में। यार हमका ना आज बहुत जोर से भूख लगी, चलो ना आज हम तुमको हमारे घर खाना खिलाते हैं। अरे आज घर नहीं, आज हम बाहर खाना खाएंगे, और वो भी मेरे पैसे से। चलो चलो मैं खिलाती हूँ। देख शिवानी वो ऋषिका उस गवार को कितनी अच्छी तरीके से खिला पिला रही है। ये ना हमारे हाथों से दिन ब दिन निकलती ही जा रही है। शिवानी तू गन लेकर आ। हेलो, हाँ मम्मी, ठीक है मैं आ रही हूँ। अरे अरे बन्ना मुझे ना मेरी मम्मा बुला रही हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं कॉलेज में। ओके बाय। दुश्मनी लेने का यही नतीजा है, अब बुलाओ उस गवार को। और हाँ ये क्या है तेरे हाथ में, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? याद है खुशी तुझे एक दिन? अरे खुशी तुझे क्या हुआ, तू क्यों
मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी आंखों के ऑपरेशन के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। यार खुशी तू टेंशन मत ले, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अच्छा तू टेंशन मत ले ठीक है, और मैं ना तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बनाकर लाती हूँ अभी ठीक है। कितना मजा आता है ना पागल बना के पैसे लेने में। हाँ इस बार तो खुशी तू ने बड़ा हाथ मारा। ये पैसे तेरी माँ के इलाज के लिए हैं। मैंने अपना घर बेच दिया तेरी माँ के इलाज के लिए, और मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना था। शिवानी ये क्या हो गया, ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई।